दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा है, सीसी मॉडल को डिस्कस करने वाले बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाले हैं। हमारे काफी सब्सक्राइबर थे, वो कमेंट कर रहे थे सर 28x35 का हाउस प्लान दीजिए। तो इस प्लान को मैंने उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। यहाँ पर अगर आप बात करें, एक गेस्ट रूम आपको मिलता है, आपको एक बारंदे का डिजाइन मिलता है, एक आपको अंदर बेडरूम मिलता है और एक मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं या आप डाइनिंग हॉल बोल सकते हैं, बड़ा सा मैंने क्रिएट कर रखा है। आपको स्टेयर, लेट बाथ वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। काफी डिमांडिंग मॉडल था, काफी डिमांड कर रहे थे लोग, तो इस मॉडल को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको टोटल चीज समझ में आ जाए। मैं लास्ट में आपको कुछ और एक टिप्स दूंगा जिससे आपको इस घर को बनवाने में आसानी होगी, तो आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं स्मॉल हाउस प्लान से, तो वेल आइकन प्रेस करके आप जरूर जुड़ जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मॉडल को। इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों पूरा प्लान आपका ओवरऑल होने वाला है जो कि आप मैंने बनाया है। काफी खूबसूरत प्लान होने वाला है, देख सकते हैं आप। चारों तरफ से मैं पहले आपको दिखा दूं, हालांकि चारों तरफ से क्लोज्ड मकान है, इसलिए फ्रंट से ही मैंने यहाँ पर डिजाइन क्रिएट कर रखा है। ये बारंदे का डिजाइन, ग्रिल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो इसी मॉडल को आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं जूम करके आपको इसको दिखा दूं, इसके आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए कि कैसे चीजें क्रिएट की गई हैं वगैरह। सारा देखिए, ग्रिल वगैरह, रेलिंग वगैरह आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल बना है। सबसे पहले बात करें, इधर आपका बारंदा है, इधर एक बेडरूम है जिसमें मैंने एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि दोनों जो पिलर, उसके बीच में मैंने यहाँ पर रेलिंग या ग्रिल लगा रखी। इधर आपकी वॉल खड़ी है, आपको टॉप व्यू देखना होगा। तो ये देखिए, आपको एक बारंदा देखने को मिलता है। ये इसका डोर है इस गेस्ट रूम को, जहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। वही बात करें, ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। जैसे आप एंट्री करते हो तो ये आपको बड़ा सा किचन मिल जाता है। सबसे पहले जो बारंदे में मैंने विंडो दिया प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इधर आपकी स्टेयर्स मिल जाती हैं, टर्न होकर वापस आएंगे। इसके स्टेयर्स के नीचे आप अपना स्टोर रूम बना सकते हैं। आगे और बढ़ेंगे तो ये आपको एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल मिलता है जिसकी मैं बात कर रहा था। इधर आपके एक बेडरूम मिलता है, इस बेडरूम से अटैच लेटर बाथ एक आपको मिलता है, ये एक सेपरेट लेट बाथ और मिल जाता है। तो दो लेट बाथ मिलते हैं, किचन, बड़ा सा डाइनिंग हॉल, एक गेस्ट रूम और ये आपका स्टेयर्स और बारंदा। एक वेल प्लान्ड मकान है ये 28x35। और मैं बता दूं कि जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको मैं एक टिप्स दूंगा घर को बनाने के लिए, मैं इसकी लागत की बात कर रहा था, इसमें पैसा कितने लगने वाला है। तो ये लगभग 900 स्क्वायर फीट का एरिया का मकान है। तो 900 स्क्वायर फीट में अप्रॉक्स अगर हम बात करें एस्टीमेट कॉस्ट की, तो इसमें 6 लाख रुपये आपका आने वाला है। और वहीं पर पूरा फिट फिनिशिंग आपका, और इसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज कर रहे हैं मकान में, क्योंकि मकान में जितना चाहे उतना आप पैसा लगाएं वो भी कम पड़ जाता है। तो एस्टीमेट कॉस्ट इसकी लगभग 6 लाख, 6 से 7 लाख के बीच में होने वाली है। तो अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों, ओवरऑल आपको मैं बता दूँ, चारों तरफ 3.5 का बाउंड्री वॉल बना है इसका। ये आपकी ग्रिल बनी है, देख सकते हैं ग्रिल बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बनी है, जो कि आपके पाइप की ग्रिल ब्लैक कलर की है। इसका जो स्टेयर्स को ढकने की गुमटी और ये डोर है जहाँ से आप छत पर आएंगे। और ये फ्रंट एलिवेशन जो कि आप देख सकते हैं, कुछ मोल्ड मैंने लगा रखे हैं POP के, जिससे घर का डिजाइन और बन जाए। तो ये देखिए, ये भी कुछ मोल्डिंग है जो कि आपका एक बेहतरीन चारों तरफ से मैंने बना रखा है। तो ये ओवरऑल मकान बनकर रेडी हो जाता है जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं लगातार आप लोगों से बताता रहता हूं कि मैं एक पेड सर्विस भी चलाता हूं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। एक व्हाट्सअप नंबर है, कॉल तो उस पर नहीं लगेगा, बस व्हाट्सअप से आप हमें चैट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हैं, चाहे वास्तु के अकॉर्डिंग चाहते हो या बिना वास्तु के चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका हाउस क्रिएट किया जाएगा। और इसके बाद आपको मैं 2D+3D+ वीडियो बनाकर देता हूं। आपको ध्यान ये रखना है कि वहां पर ये हमारी पेड सर्विस है, इसमें 50% पेमेंट एडवांस करना होता है और 50 बाद में करना होता है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो चलो, इस सर्विस को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।